नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज 3 जुलाई एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है दोस्तों, वो समाप्त हो चुका है। उसके जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं दोस्तों, सारे के सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार था कि डिजिटल पेमेंट कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर था दोस्तों नंदन नीलकर्णी जी, जो कि डिजिटल पेमेंट कमेटी के अध्यक्ष है दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि राष्ट्रीय झंडा किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो इसका सही आंसर है पिंगली वेंकैया, जिन्होंने किया है दोस्तों राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन किया है। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता था, तो दोस्तों 2011 के अंदर भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप जीता था। तो वर्ल्ड कप से दोस्तों लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वर्ल्ड कप के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, अब पहला दूसरा जो भी वर्ल्ड कप जीता है भारत ने, सारे के सारे याद करके जाइएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, इंदिरा सागर डैम कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है इंदिरा सागर डैम। तो दोस्तों एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था, फूलबाग कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों अलवर राजस्थान के अंदर। तो अलवर राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों फूलबाग स्थित है। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टेक्सटाइल मंत्रालय। तो स्मृति ईरानी जो जितने भी मंत्रालय है दोस्तों, वो जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मंत्रालय से जरूर पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाईसाइकिल डे। तो 3 जून को दोस्तों बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि पद्मा किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों गंगा की सहायक नदी है पद्मा। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो पंडित रविशंकर है दोस्तों वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज के शिफ्ट के अंदर पूछे गए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो भी क्वेश्चन आपको याद हैं दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।